आपका पीपी मून टीवी में मैं मनीष आपके सामने लेकर आई हूँ फिल्म जय उम्मीदी का क्विक फिल्म रिव्यू। कहते हैं भगवान का साक्षात रूप होती है माँ, जो काम भगवान भी नहीं कर सकते वो माँ करती है। लेकिन जब एक माँ दूसरी माँ से टकराती है तो वर्ल्ड वॉर 3 की होती है शुरुआत। फिल्म जय मम्मी दी की कहानी आपको 80s और 90s के दशक की हिंदी फिल्मों की याद दिलाएगी, जहां पुरानी दुश्मनी के चलते दो प्यार करने वालों की मोहब्बत को नामंजूर किया जाता है। वेल, सांस की मम्मी पिंकी यानी कि पूनम ढिल्लन और पुनीत की मम्मी लाली यानी कि सुप्रिया पाठक की होती है पुरानी दुश्मनी, जहां पिंकी और लाली एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, साथ ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ती। इनके इसी दुश्मनी के कारण पुनीत और सांझ को होता है अपने प्यार को खोने का डर। लेकिन प्यार करने वाले आसानी से कहां हार मानेंगे, और फिर शुरू होता है सर्च ऑपरेशन कि आखिर मम्मियों के दुश्मनी का कारण क्या है। देखा जाए तो जय मम्मी दी की स्टोरी और डायरेक्शन फिल्म की कमजोर कड़ी है। नवजोत गुलाटी ने फिल्म की स्टोरी तो लिखी है, लेकिन वो इसे बेहतरीन ढंग से पेश करने में कामयाब नहीं हो पाते। यही वजह है कि फिल्म में इमोशंस का अभाव भी कम देखने को मिलेगा। फिल्म का जॉनर तो है कॉमेडी, लेकिन फिल्म को देखते वक्त कॉमेडी वाले सीन में भी हंसी नहीं आती। वैसे फिल्म की शुरुआत में फिल्म ठीक ठाक ही लगती है, लेकिन इंटरवल के बाद ढीली पड़ जाती है। वही क्लाइमेक्स की बात करें तो ये भी अपना असर छोड़ने में नाकामयाब रहा। सनी सिंह की एक्टिंग की बात करें तो उनकी पिछली फिल्म उजड़ा चमन की खूब तारीफें भी हुई थी, लेकिन इस फिल्म की कमजोर कहानी के चलते इस फिल्म में उनकी एक्टिंग थोड़ी सी फीकी लगी। सोनाली सहगल ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाने की कोशिश की है। पूनम ढिल्लन और सुप्रिया पाठक, जो पुनीत और सांझ की मम्मी का रोल निभा रही है, वो पंजाबी मम्मी के रूप में आपको खूब पसंद आएगी। वही आलोक नाथ भी इस फिल्म में नजर आएंगे, लेकिन उन्हें फिल्म में क्यों लिया गया है कुछ समझ नहीं आएगा। वो अचानक से आ जाते हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाते हैं। लव रंजन, जिनकी पिछली दोनों फिल्में यानी कि सोनू की टिट्टू की स्वीटी और दे दे प्यार दे कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। लव रंजन जब भी किसी फिल्म से जुड़ते हैं तो दर्शकों की उम्मीद और भी बढ़ जाती है, पर जय मम्मी दी इस पर पानी फेर देगी। हालांकि रंजन ने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है बल्कि प्रोड्यूस किया है। फिल्म जय मम्मी दी में 2 रिमिक्स गाने भी है, जिन्हें आप खूब इंजॉय भी करेंगे। ओवरऑल 1 घंटे 45 मिनट की फिल्म में एंटरटेनमेंट कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप बोर भी नहीं होंगे। ऐसे में फिल्म जय मम्मी दी को पीपी मून देते हैं 2.5 मून्स। खुशबू शर्मा के रिव्यू के साथ मैं मनीषा आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगी एक नए क्विक फिल्म रिव्यू के साथ। ऐसे ही क्विक फिल्म रिव्यूज के लिए लॉगिन करें peepingmoon.com।